गाइस गुड मॉर्निंग, आज 28 अगस्त है और अभी 10:35 हो रहा है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं उन्नाव, क्योंकि साहिल भैया ओपी हमारे उन्नाव में है और अभी हम लोग को बुलाया है पार्टी देने के लिए, क्योंकि उनकी शादी तय हो गई है। मजाक कर रहा हूँ, तो गेम बजाना। शादी नहीं तय हुई है पर वो बुलाया है क्योंकि कुछ खाने वाने का प्रोग्राम इसने बनाया है और हम भी बहुत दिन से बैठे थे सावन के चक्कर में, इंतजार कर रहे थे। सो लखनऊ टू उन्नाव मुश्किल से 90 किलोमीटर है। सो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे लगेंगे क्योंकि थोड़ा रश रहता है इस रोड पे। तो उसके बाद जो है पहुँचेंगे, वहाँ पे खाएंगे और कुछ बाहर के भी नई चीज़ें ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्नाव कहा सुनने में आया कि उन्नाव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे वहाँ के समोसे बहुत फेमस है, काफ़ी बड़े समोसे हैं। सो देखेंगे अगर शॉप खुली होगी, क्योंकि पिछली 2 बार से जब भी हम लोग आए तो वहाँ पे मिला नहीं है। सो चलो चलते हैं, समोसे खाएंगे अगर मिले, वरना तो फिर साहिल की पार्टी तो है ही है। खैर आज 11:20 हो रहा है एंड अभी हम लोग असोहा पहुंच चुके हैं साहिल के गांव में। सो साहिल को यहां से पिक करेंगे, फिर उन्नाव जाएंगे। ओए वाटर वाक यही काम करता हूं, बहुत तेज है भाई, पूरा हरियाली है बिल्कुल, यहां पे खेत खनियान पूरे। साहिल बस आ रहा है अभी, उसके पेट्रोल पंप पीछे ही है तो हम लोग वहीं पे जाएंगे बैठेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकलेंगे उन्नाव के लिए। साहिल भैया ओपी आ चुके हैं। क्या कर रहे हो, हैंड ब्रेक नहीं लगाए हो, हटाए हो तुम गाड़ी में? अच्छा हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलती नहीं है। चलती नहीं है, पुरानी गाड़ियां चलती थी, अब नहीं चलती है। साहिल का पेट्रोल पंप कहाँ गया साहिल? वैसे किधर चला गया? अरे साहिल तो गाइस अभी समोसे लिए जा रहे हैं, साहिल समोसे लेके चलेगा हम लोग गांव में एंड वहाँ पे हम लोग चाय वाय पियेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद जाएंगे उन्नाव। अभी तो थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, क्योंकि सुमित तब से इंतजार कर रहे हैं समोसे कब आएंगे यार, कब आएंगे। सो वो साहिल समोसे लेकर आ रहा है, आइए आप इधर आइए। तो भाई अभी हम लोग साहिल के गांव में हैं, उसके घर पे समोसा और चाय चल रहा है। सो पार्टी इसकी है, चेहरा दिखा नहीं सकते ना, लेकिन नहीं दिखाते वैसे, नहीं 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 दिखाते, कोई नहीं। साहिल इस चाचा ना हो, कुछ दिन बाद साहिल पापा भी बन जाएगा।
तो गाइस अभी उन्नाव में आए, साहिल हमको खिलाएंगे ढोकले थोड़े। गाड़ी पार्क कर दिए यहाँ पे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी गाड़ी पार्क करने में, और अभी खाने जाएंगे ढोकले। किधर है ढोकले वाला? ए मोटू जल्दी बाहर आओ। किधर जाना है भाई? यहाँ से आगे जाओ मां जाओ। कैसे लोग को लेकर अब हम जाएंगे खाने डोसा, 30 रुपए में बेहतरीन डोसा जो साहिल ने हमें बताया उन्नाव में सबसे अच्छा डोसा है ना। और भाई यार कितना किफायती भी है, 30 रुपए में और क्या लोगे। चलो अभी दिखाते हैं। बस अड्डे के जस्ट सामने है, थोड़ा सा उधर है ना। अरे रुको, थोड़ा सा मतलब 100 मीटर आगे, 100 मीटर आगे, 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर ये है। यार गुप्ता जी का मसाला डोसा ये है शॉप, बस अड्डे के जस्ट सामने, थोड़ा सा लेफ्ट है। तो गाइस हमारा डोसा आ चुका है, मसाला डोसा है ना भाई? हाँ मसाला डोसा बना रहा हूँ, वायरल मेक द वीडियो। इसको और थोड़ा सा इसकी स्टफिंग दे रहा हूँ यार, शॉपिंग ही पता नहीं कितनी अंदर डाल दी है। बीस रुपए के हिसाब से टेस्ट बहुत है यार, और जैसे कि इससे कम प्राइस में इतना टेस्ट शायद ही कोई देता होगा, है कि नहीं? यहाँ तक कि मयंक भी हंस रहा है। सही बात है, टेस्टी। सही बात है, मयंक वैसे पहले खा चुका है, पहली बार है, इसीलिए मैंने उसको नहीं बोला कि तुम कर रहे हो, मैं करूँगा। निर्विंद है भाई, निर्विंद कुछ मैं क्या हूँ भाई, इसको आधा घंटा वॉशरूम दे देना। अबे ठीक दौड़ा दूंगा, बेइज्जती मत करवाना, मैंने तो पेल के खाने वाले हैं। हाँ ठीक है चिंता मत करो, 10 रोटी मेरी दिख के है। 10 रोटी तो नहीं, 4 रोटी का मैं 20 खाऊंगा। हाँ मीट खत्म करना है, बेल हल बांधो। यही तो तो गाइस अभी आप लोग खा के डन हो गए, मैं अकेले 2 डोसे खाया क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा था, और बस थोड़ा सा कमी है थी कि उसका जो नारियल की चटनी थी वो थोड़ा ठीक नहीं थी, बाकी सब बहुत बढ़िया था। ठीक थी मतलब थोड़ी सी पतली थी। हाँ थोड़ी पतली थी, मतलब टेस्ट मतलब पतली होने की वजह से टेस्ट थोड़ा बिगड़ गया, समझ जाओ बस, समझ जाओ। तो 2 तो खा लिए, अब जगह थोड़ी पेट में कम है, लेकिन फिर भी समोसा देखने जा रहे जो यहाँ का फेमस है, देखते हैं अगर जगह कम है लेकिन तब भी जा रहे हैं। जगह कम है लेकिन जाएंगे क्योंकि आपको दिखाना है। तो पैसा दे दो, हम निर्विंद लेके आते हैं, आगे से गाड़ी घुमा के रहो। कितना लगेगा? 200 रुपए। माता भाई गाड़ी बहुत गलत चलाते हैं लोग। चलो आते हैं लोग समोसा लेके, ये स्प्लेंडर के बगल में लगाओ और कितना क्या करना आगे। सो गाइस फाइनली रीच्ड, अभी करीब कितना टाइम हो रहा है मैं देख के बता दो, इट्स 4:45 और अभी हम लोग नाव सिटी में हैं, साहिल के नए वाले घर पे। यहाँ थोड़ा करेंगे रेस्ट, शाम को है साहिल की पार्टी,
हम लोगों ने आज पूरा एक्सप्लोर कर लिया जो भी यहाँ का फेमस था खाने का। समोसे ले आए हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। समोसे काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, स्पेशलिटी यही है साइज़ में बड़े हैं, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बट मज़ा आएगा। सो गाइस समोसे का टेस्ट किया लेकिन उतना कुछ खास नहीं है जितना फेमस है, है ना। सीरियसली बोलो उतना अरे तो हम कोल्ड ड्रिंक ट्राई करने जा रहे हैं, बट समोसे तो यार मतलब ओके ओके थे। सुमित को देना ही नहीं है, सुमित को तो ये तो मना कर रहा था, पेप्सी पीता ही नहीं है, तो क्या चमचम पियेंगे बाबू राव। हमेशा की तरह स्लो खाने वाले साहिल रावत, एकदम आखिरी में बेचारा बचता है। साहिल तुम्हारे हिस्से का मैं कितनी बार ज्यादा खा चुका हूँ? तीन बार। बहुत बार साहिल के साथ, एक बार और। साहिल के साथ जब भी नॉनवेज खाने जाओ साहिल के साथ, भाई तुम रोटी फिर खा गए सारी। इट हर्ट्स। साहिल टेस्ट कैसा था? बस काम चल रहा है। भाई 6 गिलास पिला है। गाने हम बेस वाले बजा रहे हैं। तो यार यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि गाने कौन से बजेंगे, भोजपुरी या फिर अंग्रेजी? यही सब वाले बजाओ, ये अच्छे हैं। हिंदी बजे। सुमित का वोट है हिंदी के लिए, और तुम्हारा लकी का है भोजपुरी। आप लोग कमेंट कर दीजिए आपको कौन सा। आपको हाँ सही बात है, आप लोग कमेंट करो यार कौन सा सुनना पसंद है, भोजपुरी हिंदी या फिर इंग्लिश। बहुत जगह निकल गए, अंधेरा था, घर अंधेरा है, वहाँ पे हमने दिया था इनको लाइट। और क्या। तो गाइस अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के, एंड अभी अब जाएंगे हम लोग साहिल के वापस गांव वहाँ पे, क्योंकि हमारी है मटन पार्टी और साहिल ने स्पेशली हम लोग के लिए मटन मंगवाया। टेस्ट करवाएगा साहिल अपने घर का, भाई मज़ा आएगा, खूब सारा खाना है। साहिल की जुबान नहीं जानी चाहिए क्योंकि साहिल ने जुबान दी कि भाई हम लोग खाने वाले तगड़ा खाने वाले बंदे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने आप को खुद लाइट दी है, क्योंकि इस गाड़ी में इतनी पावर वाली लाइट, क्या मतलब दो ही की लाइट है, लाइट है गाड़ी में, लाइट है, बेकार है। मेरा मोबाइल बेकार नहीं है, मैं आगे नहीं कैमरा नहीं है इसके मायने भाई। देखो सीधी सी सुनो, मैंने तो बोला लो लाइट कैमरा खरीद लो, लो लाइट कैमरा खरीदने को बोल रहा है, देख रहे हो। मैंने तो सजेशन दे दिया। हां तो सजेशन तो तुमने दिया, अच्छा दिया है, बट बजट नहीं है ना अभी, बजट बनाइए। अरे इतना डिमोटिवेशन, गाड़ी की गलती नहीं है, गाड़ी की गलती तो हमने भी नहीं कही, हमने कहा गाड़ी की लाइट आगे है पीछे नहीं है। खैर छोड़ो ये सब बातें होती रहेंगी, लड़ाइयां होती रहेंगी, आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन भैया है, बाइक चला के जा रहे हैं, वाओ। चुका है एंड वी आर बैक टू लखनऊ। खाना वाना हो गया था और काफ़ी ज़्यादा भी हो गया था, सो अभी हम लोग बस लखनऊ पहुँचे ही हैं। सब अपने अपने घर जा रहे हैं, सबको ड्रॉप करेगा मयंक, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। सो आज का यहीं पे एंड करेंगे व्लॉग, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो।